गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.3 के एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल नंबर 12 तक अपन ने देख लिए थे। अब एग्जांपल नंबर 13 से अपन आगे के एग्जांपल्स कंप्लीट देखेंगे। तो एग्जांपल 13 क्या बोल रहा है देखते हैं। एग्जांपल 13 बोल रहा है डीवाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट क्या है, एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए थे पहले भी। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एक्स की पावर इक्वल टू एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स। क्या करते हैं, जब फलन की पावर फलन ही हो तो दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर या दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या बनेगा, log ऑफ एक्स की पावर वाई इक्वल टू log ऑफ वाई की पावर एक्स। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log n की पावर n हो तो क्या होता है, n मल्टीप्लाई में आ जाता है पावर, तो n इंटू log ऑफ n यही होती है। तो n जो पावर है वो किसमें आ जाएगी, log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो क्या बनेगा अपना, y पावर का काम कर रही है तो y तो मल्टीप्लाई में आ गया, तो y log of x इक्वल टू यहाँ पावर कौन है x, तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x log y। अब क्या करना है अपने को, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई लॉग एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लॉग वाई। दोनों साइड क्या बन रहे हैं, यू इंटू वी वाले फॉर्मेट में बन रहे हैं, तो अपन यू इंटू वी का मेथड लगाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यू इंटू वी में क्या होता है, एक बार u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, यही करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले y को कांस्टेंट ले लेंगे और log x का अवकलन कर लेंगे प्लस, अब क्या करेंगे, log x को कांस्टेंट और y का अवकलन कर लेंगे, ये होगा इक्वल टू, यहाँ पर u का काम x कर रहा है और v का काम y कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट लेंगे लॉग वाई का अवकलन करेंगे और लॉग वाई को कांस्टेंट लेकर एक्स का अवकलन कर देंगे। तो यहां से एक्स को कांस्टेंट ले लिया तो किसका अवकलन करना है अपने को, लॉग वाई को प्लस, अब किसको कांस्टेंट लेते हैं, लॉग वाई को, तो अपने लॉग वाई को कांस्टेंट लेकर किसका अवकलन करेंगे एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, वाई इंटू log x, log x का अवकलन क्या होता है, मैंने पढ़ा था log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x प्लस log y इंटू y का क्या हो गया है अपन dy बाई dx इक्वल टू x log ऑफ y। तो log का क्या होता है 1 अपॉन y इंटू y का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस log y इंटू एक्स का अवकलन क्या होता है 1 क्या हो जाएगा वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, तो क्या बनेगा वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स इंटू 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, लॉग वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा लॉग वाई। अब क्या करना है अपने को, डीवाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करना है और बाकी टर्म को एक साइड में कर लेंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को अपने एलएसएस में रखते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म क्या है, log y dy by dx, इधर x upon y dy by dx पॉजिटिव है, दूसरे पक्ष में आकर क्या हो जाएगी है नेगेटिव, तो माइनस x upon y
डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आर एस एस में क्या ले जाते हैं, लोग वाई, लोग वाई तो इधर ही है तो पॉजिटिव रहेगा, और इधर से वाई अपॉन एक्स पॉजिटिव दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। अब क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पर यहां से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो लोग वाई माइनस, यहां से डीवाई बाई डी एक्स को मन लेंगे तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या करते हैं, दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर तो एलसीएम क्या आएगा, वाई वाई इंटू वाई तो हर में आ जाएगा और अंश में क्या आएगा, लॉग वाई के हर में क्या है वन, और वन का डिवाइड वाई में करेंगे तो क्या आएगा वाई, और वाई को लोग वाई से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा वाई इंटू लोग वाई माइनस, यहाँ पर क्या आएगा एक्स इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा एक्स, और लोग वाई के हर में क्या है वन, और वन का डिवाइड एक्स में करेंगे तो क्या आएगा एक्स, और एक्स को लोग वाई से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा एक्स लोग वाई माइनस, एक्स का डिवाइड एक्स में वन टाइम्स, और वन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई। अब क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट्स का भाग दे देते हैं, तो क्या बनेगा, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसमें किसका भाग दे रहे हैं, डीवाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट का, तो ये क्या है अपॉन वाई लॉग वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, यही है, तो क्या होगा वाई तो ऊपर चला जाएगा और वाई लॉग वाई माइनस एक्स का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन, इस एक्स के साथ में क्या गुणा में हो जाएगा y इंटू लोग वाई माइनस एक्स, तो क्या बनेगा एक्स इंटू वाई इंटू लोग वाई माइनस एक्स, यही क्या रहेगा आपके क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्या है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स यानी सेम टर्म्स डिवाइड हो रही है, ये एक तरह से समुद्र का काम कर रहा है कि ये पूरा क्या है अनंत है, यानी कि समुद्र जैसा है, और समुद्र में अपन कुछ थोड़ा बहुत पानी डाले या थोड़ा बहुत पानी निकाले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे y इक्वल टू रूट एक्स, मैंने रूट एक्स को इसमें से निकाल लिया, तो रूट एक्स को निकालने पर भी इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये बाकी टर्म्स जो बच गई वो भी अपने को क्या दिख रही है y के समान ही दिख रही है, यानी कोई पता नहीं चल रहा है कि इसमें से x को अपन ने निकाल लिया है, तो ये क्या बन जाएगा रूट x प्लस y ही बन जाएगा। इसका अपने को क्या करना है, अभी अवकलन करना है, अवकलन करने से पहले अपन क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेते हैं ताकि रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा y का वर्ग, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर, और रूट x प्लस y का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या बनेगा x प्लस y बन जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है dy by dx निकालने के लिए, तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ अक्ष प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा अक्ष के पावर एन वाले से क्या हो जाएगा टू इंटू वाई एन इंटू अक्ष की पावर एन माइनस वन, यही होता है यहाँ एन का काम कौन कर रहा है टू, तो टू इंटू वाई की पावर टू माइनस वन, तो टू इंटू वाई की पावर टू माइनस वन का मतलब वाई की पावर वन इंटू वाई का अवकलन क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू अक्स का अवकलन, तो क्या हो जाएगा वन प्लस
वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड में लेना है और बाकी टर्म को एक साइड में लेना है। तो यहाँ पर क्या है, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, दूसरे पक्ष में आकर क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन। और अपन अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, टू वाई बचेगा इधर तो, और इधर क्या बचेगा, माइनस का वन इक्वल टू वन। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड देना है दूसरे पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू वाई माइनस वन, यही होगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड है कॉस एक्स की होल पावर वाई इक्वल टू साइन वाई की होल पावर एक्स, यही है। क्या है, फलन की बात, फलन है तो क्या करना है, दोनों पक्षों का लोग लेना है। तो दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेंगे तो क्या आएगा, दोनों पक्षों का लोग लेने पर आ जाएगा लोग ऑफ कोस एक्स की पावर वाई इक्वल टू लोग ऑफ साइन वाई की पावर एक्स, और लोग की प्रॉपर्टी लग जाएगी लोग एम की पावर एन से क्या हो जाएगा, एन इंटू लोग एम होती है यहाँ पर, यानी पावर साथ में गुणा में आ जाती है, तो पावर यहाँ पर वाई है और इधर क्या है एक्स है, दोनों पावर क्या आ जाएंगी, गुणा में आ जाएंगी, तो क्या बनेगा, वाई इंटू लोग कोस एक्स इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा एक्स, एक्स इंटू लोग साइन वाई। अब क्या करना है अपने को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, डी वाई बाई सॉरी डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, वाई लोग कोस एक्स का, और दूसरी साइड में किसका करना है, एक्स लोग साइन वाई का। किस फॉर्मेट में बन गए, वही यू इंटू वी की फॉर्म में बन रहे हैं दोनों साइड ही, तो यू इंटू वी का मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ए को कॉन्स्टेंट ए का अवकलन प्लस दूसरे को कॉन्स्टेंट पहले का अवकलन, तो वाई इंटू डी कॉन डी एक्स ऑफ लॉग कोस एक्स प्लस, अब किसको कॉन्स्टेंट रखना है, लॉग कोस एक्स को, तो लॉग कोस एक्स कॉन्स्टेंट और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, वाई का इक्वल टू क्या होगा, एक्स को कॉन्स्टेंट लेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, लॉग साइन वाई का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन वाई प्लस क्या करना है, लॉग साइन वाई को कॉन्स्टेंट लेना है और एक्स का अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन सॉरी एक्स कॉन्स्टेंट रखना है, एक्स को कॉन्स्टेंट रख लिया, एक्स को रखना है कॉन्स्टेंट, लॉग साइन वाई को, तो क्या लिखेंगे, प्लस लॉग साइन वाई कॉन्स्टेंट आ जाएगा और अवकलन किसका कर देंगे, एक्स का अवकलन कर देंगे, तो क्या होगा, वाई इंटू लॉग कोस एक्स, लॉग का क्या होता है वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोस एक्स इंटू, अब किसका करना है अपने को, लोग का हो गया, किसका करेंगे, कोस एक्स का, तो अवकलन कोस एक्स प्लस लोग ऑफ कोस एक्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू लोग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स का नाम कौन कर रहा है, साइन वाई, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन वाई इंटू, अब किसका करना है अपने को, साइन वाई का, तो इंटू साइन वाई प्लस लोग साइन वाई तो कॉन्स्टेंट है, तो लिख देंगे लोग साइन वाई इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष वन, क्या बनेगी अगली टर्म, वाई इंटू
वन अपॉन कॉस एक्स तो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन कॉस एक्स इंक्लूड डी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल, इक्वल क्या होगा, एक्स अपॉन साइन वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो इंटू कॉस वाई प्लस लॉग ऑफ साइन वाई इंटू वन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन वाई। अब क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म को एक साइड में कर लेंगे, तो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड में करते हैं तो क्या होगा, लॉग कॉस एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स और इधर सॉरी सॉरी साइन वाई का तो क्या हो गया कॉस वाई, और साथ में वाई का भी तो करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष वाई का क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है लॉग साइन वाई इंटू वन, तो लॉग साइन वाई इंटू वन क्या हो जाएगा लॉग साइन वाई, तो इधर से एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन साइन वाई डीवाई बाई डी एक्स। कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्या होता है अपन जानते हैं, क्या होता है कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई, तो इधर से एक्स इंटू कॉट वाई डीवाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, दूसरे पक्ष में आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एक्स इंटू कॉट वाई डीवाई बाई डी एक्स ये बनेगा इक्वल क्या है लॉग साइन वाई, और इधर से क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स इंटू वाई, और ये सारे टर्म्स क्या है नेगेटिव है, तो दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव प्लस वाई इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स वाई इंटू टेन एक्स, और साथ में क्या है साथ में कुछ भी नहीं है यही है। तो यहां से अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अपन डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे फिर क्या बनेगा डीवाई बाई डी एक्स, इधर तो क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स माइनस यहां से क्या बचेगा एक्स कॉट वाई इक्वल टू इधर क्या है लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स यही है। क्या करना है डीवाई बाई डी एक्स के साथ में जो टर्म मल्टीपल में है वो दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा लॉग साइन वाई प्लस वाई इंटू टेन एक्स अपॉन क्या है लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, ये क्या है अपना फाइनल सॉल्यूशन। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है, फोर्थ देखता है एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू के ओ क्या आ गया फलन की पावर फलन के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, बल्कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या बनेगा लॉग एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू लॉग के क्या हो गया लॉग एम इंटू एन क्या हो गया लॉग एम इंटू एन, और लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन ये होता है लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा। तो यहाँ पर m का काम तो कौन कर रहा है x की पावर y और n का काम कौन कर रहा है y की पावर x, तो क्या बन जाएगा log x की पावर y प्लस log y की पावर x log m प्लस log n हो गया इक्वल टू log k। अब क्या हो गया ये log m की पावर n, तो पावर log में क्या आ जाती है साथ में मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा y इंटू लॉग x ये log की प्रॉपर्टी प्लस यहाँ पर पावर क्या है x, तो
अब से लोग y इक्वल टू क्या हो गया लोग के। अब क्या करेंगे अपन इसका अवकलन, तो क्या लिखेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ किसका y log x का, y log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका x log y इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे log k का, वही क्या है u इंटू v का फॉर्मेट है तो u इंटू v का मेथड अप्लाई करेंगे, y को कांस्टेंट लेकर किसका अवकलन कर देंगे log x का अवकलन कर देंगे प्लस, अब किसको कांस्टेंट लेना है log x को, तो log x को कांस्टेंट लेकर क्या करेंगे y का अवकलन प्लस इसी प्रकार इसको कर देंगे x को कांस्टेंट लेकर log y का अवकलन प्लस log y को कांस्टेंट लेकर क्या करेंगे x का अवकलन कर देंगे इक्वल टू लोग के क्या है कांस्टेंट, तो लोग के भी क्या हो गया कांस्टेंट, और अपन जानते हैं कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो, तो लोग के का अवकलन क्या आ गया जीरो आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी वाई इंटू लोग एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस log x तो कांस्टेंट है और y का क्या हो जाएगा dy by dx, तो log x into dy by dx equal sorry equal नहीं plus plus x into log y, log का क्या हो जाएगा 1 upon x और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर y, तो x into 1 upon y और y का क्या हो जाएगा dy by dx plus log y into x, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा वन, तो log y into वन क्या हो जाएगा log y equal क्या है जीरो, क्या करेंगे y के dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड रखेंगे और y के टर्म्स को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो क्या बनेगा log x dy by dx और दूसरी टर्म क्या है dy by dx की प्लस x into वन अपॉन y क्या हो जाएगा x upon y dy by dx equal, इधर दोनों टर्म पॉजिटिव है दूसरे पक्ष में जाकर दोनों ही क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या होगा माइनस log y और दूसरी कौन से y upon x, तो दूसरे पक्ष में जाकर माइनस y upon x हो जाएगा, क्या करेंगे dy by dx को कॉमन ले लेंगे, तो dy by dx कॉमन लेने पर क्या बनेगा dy by dx into यहाँ पर तो क्या बच गया log x प्लस यहाँ क्या बचेगा x upon y इक्वल इधर क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस साइन कॉमन लेने पर अंदर दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो log y प्लस x upon y। अब क्या करेंगे LCM ले लेते हैं दोनों साइड में, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy by dx इंटू LCM क्या आएगा y और log x का हर में क्या है 1 और 1 का डिवाइड y में करेंगे तो क्या आएगा y और y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे log x से प्लस y का डिवाइड y में 1 बार और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x इक्वल टू माइनस, इसी प्रकार इधर LCM क्या आएगा x और क्या बन जाएगा x log y प्लस y ये मिलेगा। अब क्या करते हैं dy by dx के टर्म्स का दूसरी साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो dy by dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस x log y प्लस y अपॉन x अपॉन इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y log x प्लस x अपॉन y, यही होगा क्या होगा y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y log x into x किससे प्लस x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से मल्टीप्लाई, तो dy by dx इक्वल टू क्या मिलेगा, तो dy by dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस y into x log y प्लस y अपॉन
एक्स इंटू एक्स के साथ वन मल्टीप्लाई होगा वाई लोग एक्स प्लस एक्स, तो एक्स इंटू वाई लोग एक्स प्लस एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर ए प्लस बी, यही है। क्या करते हैं इसका दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो दोनों बक्सों का लॉग लेने पर दोनों बक्सों का लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई की पावर ए प्लस बी, ये बनेगा। क्या हो गया, लॉग एक्स की पावर ए इंटू लॉग वाई की पावर बी क्या हो गया, लॉग एम इंटू एन की पावर में आ गया, और लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ऐसे क्या लिखेंगे, लॉग एम, एम क्या है एक्स की पावर ए प्लस लॉग एन, एन क्या है वाई की पावर बी इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है, लॉग एम की पावर एन की फॉर्म में है, तो एन क्या आ जाता है सामने गुणा में आ जाता है, तो एन की एन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस वाई, यही है। और ये भी क्या है, एम की पावर एन, तो एन ए, ए क्या आ जाएगा सामने आ जाएगा यानी साथ में गुणा में आ जाएगा, तो ए लॉग एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा बी लॉग वाई पावर गुणा में आ जाएगी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब क्या करना है अपने को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या फॉर्म बनेगी, एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी लॉग y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको देखकर यह मत कहना कि ये u इंटू वी की फॉर्म में है, सभी में ये u इंटू वी की फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a b और a प्लस बी ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है, जब ये x y के फंक्शन होते ना तब ये कॉन्स्टेंट नहीं होते, अब यहाँ पर ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या आ जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सामने आ जाएंगे यानी गुणा में आ जाएंगे, और अंदर वाले टर्म्स का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, तो ए कॉन्स्टेंट है तो ए तो साथ में मल्टीप्लाई में आ गया इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है अपन इसी तरह से जानते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ क्या है बी कॉन्स्टेंट है तो बी तो साथ में गुणा में आ जाएगा इंटू लॉग वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी भी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट, तो ए प्लस बी कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ गए, और लॉग एक्स अपॉन वाई का क्या हो गया, लॉग का होता है वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस वाई, और अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस y का करेंगे, तो क्या बन गया इधर, ये तो हो गया a अपॉन x प्लस b अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल a प्लस b अपॉन क्या हो गया x प्लस y, और साथ में क्या हो जाएगा x का अवकलन तो क्या हो जाएगा 1 प्लस y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं आगे वाला टर्म, आगे वाला टर्म क्या बनेगी a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy by dx इक्वल क्या है a अपॉन b a प्लस b अपॉन x प्लस y क्या होगा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और dy by dx से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा a प्लस b अपॉन x प्लस y प्लस, अब इससे मल्टीप्लाई करना है से तो हो गया dy by dx से, तो प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस y dy by dx यही होगा। अब क्या करना है dy by dx के टर्म्स को एक साइड करना है और बाकी टर्म्स को एक साइड में करना है,
तो अपन दो काम साथ में करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड भी करेंगे और डीवाई बाई डी एक्स कॉमन भी लेंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बच गया, बी अपॉन वाई, और दूसरे पक्ष में पॉजिटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस, और डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, तो माइनस ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल, इक्वल क्या है, ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर से क्या जाएगा, ए अपॉन एक्स, इधर पॉजिटिव है दूसरे पक्ष में जाकर नेगेटिव, तो माइनस का ए अपॉन एक्स, क्या करते हैं दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, वाई का एलसीएम में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को किससे गुणा करना है, बी से, तो बी से एक्स प्लस वाई को गुणा करेंगे, यानी बी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई का एलसीएम में डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, वाई, और वाई को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से, यही होगा इक्वल, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का एलसीएम में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स का, और एक्स को ए प्लस बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई माइनस, अब इसका डिवाइड देना है एक्स का, और एक्स का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्स प्लस वाई बार, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए से, तो ए इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या मिलेगा, वाई एक्स प्लस वाई, बी को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई देंगे, बी एक्स से भी गुणा होगा और वाई से भी गुणा होगा, तो क्या होगा, बी एक्स से गुणा होगा तो बी एक्स प्लस वाई से होगा, तो बी वाई माइनस का वाई, ए और बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों के चेन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस ए से गुणा होकर तो क्या हो जाएगा, ए वाई, और बी से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का बी वाई इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी से, एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा तब तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तब क्या बनेगा, बी इंटू एक्स माइनस, दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस ए से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए, और माइनस ए से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए वाई, ये टर्म बनेगी, ध्यान से देखना, प्लस का बी वाई और माइनस का बी वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इधर प्लस का एक्स और माइनस के एक्स भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई, ये टर्म चीज है, अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल, इधर क्या बचा, बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो ध्यान से देखो दोनों पक्ष का आंसर में बी एक्स माइनस ए वाई और बी एक्स माइनस ए वाई सेम आ रहा है, क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, ये भी क्या हो जाएंगे, हर में सेम आ रहे हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन अपॉन वाई इक्वल टू, इधर क्या बचा, वन अपॉन एक्स वाई, उधर जाकर इधर डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वाई अपॉन एक्स, यही है इधर आज में है, दूसरे पक्ष में जाकर कहाँ आ जाएगा, अंश में, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, वाई अपॉन एक्स। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है, सेकेंड है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है, क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स
ओब लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही होगा। ये क्या है रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स यही होता है। और यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का हो गया आप किसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इक्वल लोग एक्स, लोग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लोग का कर दिया आप किसका करना है अपने को, अब अपने को उत्कलन करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई के एक्स के सापेक्ष टू वाई, और एक्स के सापेक्ष वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष टू एक्स एक्स की पावर एन से माइनस का माइनस, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष टू वाई, और वाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म सुनेगी तो क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या बनेगा टू एक्स अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई, इससे भी मल्टीप्लाई होगा टू वाई अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू माइनस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा माइनस टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड लेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड लेंगे, तो डीवाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड लेते हैं, तो एक तो क्या है डीवाई बाई डी एक्स की वाई अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स, और इधर डीवाई बाई डी एक्स की टर्म नेगेटिव है दूसरे पक्ष में आकर क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव की, तो प्लस टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव है दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या करेंगे डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या किया डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेने पर क्या बचेगा वाई इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इंटू टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा इक्वल इधर क्या है टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या करेंगे दोनों साइड में एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेकर के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू इधर एलसीएम आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही होगा, वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू किससे होगा वाई से, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा टू वाई से, तो टू वाई इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी प्रकार इधर एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स से, तो टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड में देखो हर में क्या है, टर्म्स सेम है, तो जो जो टर्म्स हर में सेम है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा dy by dx into dy by dx के साथ तो गुणा में क्या बच जाएगा, y into x square minus y square plus 2y into root x square plus y square और इक्वल में क्या बचेगा, 2x into root x square plus y square minus x into माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बचेगा और हर में क्या बच जाएगा दोनों साइड ही, और यहाँ तो डिवाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, y into x square minus y square plus 2 root x square plus y square, ये बनेगी फ्रेंड्स। तो dy by dx के कोफिशिएंट का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। थर्ड देखे, थर्ड क्या है, x into root 1 plus y plus y into root 1 plus x equal to 0, यही है, क्या करेंगे एक टर्म को दूसरे पक्ष में ले जाकर अपन वर्ग करके सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स रूट वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, दूसरे पक्ष में जाकर प्लस की टर्म्स क्या हो जाती है, माइनस की, और माइनस वाली प्लस की हो जाती है, तो अगर प्लस की थी दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो गई, माइनस की। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा, एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और वन प्लस वाई इक्वल माइनस वाई का तो क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, और रूट वन प्लस एक्स का करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, ये होगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसमें किसका लगेगा, u इंटू वी का, तो u एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू वी क्या है, y, तो y का अवकलन प्लस y कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन, यही करेंगे इक्वल टू y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और y का क्या हो जाएगा dy by dx प्लस यहाँ पर भी क्या है u इंटू वी है वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर को कॉन्स्टेंट लेकर तो एक्स का कर लेते हैं प्लस एक्स को कॉन्स्टेंट रखकर किसका कर लेंगे वाई का, तो एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा,
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू वाई, और वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये मिलेगा। अब क्या करते हैं, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और बाकी सब को दूसरे बक्स में ले जाते हैं। तो इधर तो डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, और दूसरे बक्स में क्या है, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, इधर पॉजिटिव है, दूसरे बक्स में अगर क्या आ जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, और एक्स इंटू टू वाई क्या हो जाएगी, टू एक्स वाई, और इधर पॉजिटिव है तो दूसरे पक्ष में आकर माइनस की टू एक्स वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स के अलावा जो भी टर्म है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर इंटू वन, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, टू एक्स पॉजिटिव है दूसरे पक्ष में जाकर के नेगेटिव, माइनस का टू एक्स वाई इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स वाई, तो टू एक्स वाई इधर पॉजिटिव है दूसरे पक्ष में जाकर माइनस का टू एक्स वाई, ये बनेगा। क्या करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, इधर तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई इक्वल क्या है, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स वाई, तो डिवाइड बाई डी एक्स के कोफिशिएंट का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इधर मल्टीप्लाई में, तो दूसरे पक्ष में जाकर किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या देगा, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई। का देखते हैं फॉर्ड क्या है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो एक्स और वाई को अलग अलग वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू तो पुट कर देंगे साइन थीटा, और वाई इक्वल टू पुट कर देंगे साइन फाइव। तो अपन क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा प्लस सॉरी तथा वाई इक्वल टू साइन फाइव रखने पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर वन माइनस एक्स के लिए क्या पुट करना है, साइन थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस वाई की वैल्यू क्या है, साइन फाइव, वाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स के लिए क्या पुट कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस वाई की जगह क्या पुट कर रहे हैं, साइन फाइव, तो क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स, तो रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस रूट वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव, तो रूट कोस स्क्वायर फाइव इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव। जो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर का तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव का क्या हो जाएगा, कोस फाइव इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव, यही है। तो इसका क्या होता है, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला होता है टू इंटू कोस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन टू, यही होता है। और यहाँ क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है, टू इंटू कोस ए प्लस बी अपॉन टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, ये होता है। ये दोनों क्या है, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला
और साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला दोनों ही काम में आएंगे। यहाँ पर तो कोस थीटा प्लस कोस फाइव में तो लग जाएगा कोस ए प्लस कोस बी वाला, और साइन थीटा माइनस साइन फाइव में किसका लगेगा साइन ए माइनस साइन बी का। तो यहाँ पर ए और बी का काम कौन करेगा थीटा और फाइव, तो टू इंटू कोस ए प्लस बी, ए क्या है थीटा प्लस बी क्या है फाइव, तो थीटा प्लस फाइव अपॉन टू इंटू कोस ए माइनस बी, ए क्या है थीटा माइनस बी क्या है फाइव अपॉन टू इक्वल ए इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव का क्या हो जाएगा टू कोस ए, ए मतलब थीटा प्लस बी यानी फाइव अपॉन टू इंटू साइन ए यानी थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, यही होगा क्या होगा टू से टू कैंसिल, कोस थीटा प्लस फाइव से कोस थीटा प्लस फाइव कैंसिल हो जाएगा, क्या है क्या मिलेगा लीटर मिलेगी कोस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू साइन, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अपॉन साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू ए, ये बचेगा कोस अपॉन साइन क्या होता है कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू ए, यही होगा कोट थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू ए, कोट को उधर कर देंगे तो थीटा माइनस फाइव अपॉन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट इनवर्स ए। अब क्या करना है थीटा और फाइव की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा और फाइव किसको माना था अक्स इक्वल टू साइन थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स अक्स, और यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स फाइव, तो थीटा माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ गया टू को मल्टीप्लाई में भेज देते हैं टू इंटू कोट इनवर्स ए, चूंकि अक्स इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स अक्स, और वाई इक्वल टू क्या था साइन फाइव, तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स वाई, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा अक्स की थीटा की वैल्यू क्या आई है साइन इनवर्स एक्स, माइनस फाइव की वैल्यू क्या आई है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है टू कोट इनवर्स ए। क्या करना है डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है मतलब अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करेंगे अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन साइन इनवर्स अक्ष का क्या होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू कोट इनवर्स ए, क्या है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है अपन अच्छी तरह से जानते हैं जीरो, तो dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दूसरे टर्म्स में जाएगा तो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर dy by dx वाले टर्म्स भी क्या है नेगेटिव है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इधर r में है तो दूसरे पक्ष में जाकर किसमें हो जाएगा अंश में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो अक्स को तो क्या पुट कर देंगे साइन थीटा, और वाई को क्या पुट करेंगे साइन पाई, और क्वेश्चन को स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करके आंसर फाउंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, 15 का फर्स्ट देखते हैं, 15 का फर्स्ट क्या है वाई इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग वाई सॉरी लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस एन सो ऑन, तो वही क्या है अब ने पहले देखा था इनफाइनाइट तक टर्म्स जा रही है, वो समुद्र वाली खानी है समुद्र में एक लोटा पानी डालो चाहे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपन क्या करते हैं y इक्वल टू रूट इसमें से रूट लॉग x को निकाल लेते हैं, और बाकी जो टर्म बच गई उसको भी इसके इक्वल मान लेते हैं,
वाई के इक्वल मान लेते हैं तो प्लस वाई, क्या करेंगे दोनों पक्षों का उलट करके सॉल्व कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू लोग एक्स प्लस वाई, यही बनेगा। क्या करना है अपने को, डीवाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या टर्म बनेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, यही होगा। वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, टू वाई, और वाई का अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स, प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या करेंगे वाई वाले डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड में लिखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को एक साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में क्या है वन अपॉन एक्स, क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स करने को कॉमन लेने पर क्या बनेगा, टू वाई बनेगा इधर, तो माइनस क्या बचेगा वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो दूसरे पक्ष में क्या चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस वन, यही होगा। देखते हैं सेकेंड क्या है, सेकेंड है वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो वही बात वाई इक्वल टू साइन एक्स, इसमें से अपन साइन एक्स को इनफाइनाइट टर्म्स हैं, साइन एक्स को निकाल कर बाकी टर्म्स को भी क्या लिख सकते हैं वाई के इक्वल लिख सकते हैं, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, फलन की पावर फलन होने पर याद होगा, फलन की पावर फलन होने पर क्या लेते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की होल पावर वाई, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, क्या प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग एम की पावर एन, तो एम की पावर एन होता है तो क्या हो जाता है एन लॉग एम, यानी पावर लॉग के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यहाँ पावर क्या है वाई, वाई लॉग के साथ में मल्टीप्लाई आने पर क्या बन गया वाई साइन एक्स बन गया। अब क्या करना है अपने को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, बी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू बी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लॉग साइन एक्स, ये बनेगा। और अपन जानते हैं लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है वाई, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये किस फॉर्म में आ गया यू इंटू वी की फॉर्म में, तो एक बार यू को कॉन्स्टेंट वी का अवकलन प्लस वी को कॉन्स्टेंट यू का अवकलन, इसी प्रकार लेंगे, तो पहले y को कॉन्स्टेंट लेकर किसका अवकलन कर लेते हैं लोग साइन एक्स का, प्लस अब किसको कॉन्स्टेंट लेंगे लोग साइन एक्स को, तो लोग साइन एक्स को कॉन्स्टेंट लेकर किसका करेंगे y का, यही होगा। क्या टर्म बनेगी अगली, ये टर्म बनेगी वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल y इंटू लॉग साइन एक्स,
लोग का क्या होता है वन अपॉन एक्स, और एक्स का काम कौन कर रहा है साइन, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू किसका अवकलन करना है लोग का हो गया साइन का करना है इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस लोग साइन एक्स इंटू वाई का अवकलन, वाई का क्या हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स ये होगा। तो अगले हम क्या आएगी, अगले आएगी वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लोग साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड में कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड में करते हैं और साथ ही में डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर इधर तो क्या बचेगा वन अपॉन वाई, इधर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स पॉजिटिव में है इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर क्या बचा लोग साइन एक्स इक्वल टू कॉस अपॉन साइन क्या होता है कोट, तो इक्वल टू वाई इंटू कोट एक्स ये बनेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू इधर ऐसे हम ले लेंगे तो ऐसे हम क्या आएगा वाई, वाई का डिवाइड वाई में एक बार और एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर एक माइनस लोग साइन एक्स का हर क्या है वन, और वन का डिवाइड वाई में करेंगे तो वाई बार और वाई को लोग साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वाई लोग साइन एक्स इक्वल टू वाई कोट एक्स यही होगा। डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो तो दूसरे पक्ष में जाकर डिवाइड में हो जाएगी और जो डिवाइड में है वो दूसरे पक्ष में जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी ये होगी, तो वाई दूसरे पक्ष में जाकर गुणा में होगी तो वाई इंटू वाई कोट एक्स क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कोट एक्स बट्टा में क्या आएगा वन माइनस वाई लोग साइन एक्स ये बनेगा। थर्ड पर चलते हैं क्या है तीसरा, तीसरा है वाई इक्वल टू इक्की पावर एक्स प्लस इक्की पावर एक्स प्लस इक्की पावर एक्स प्लस एन सो ऊन वही क्या है इनफाइनाइट टर्म्स है सेम, तो अपन वाई की इक्की पावर एक्स को निकाल कर बाकी को भी क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स में एक टर्म को निकालने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अपन क्या लिखेंगे इसको वाई इक्वल टू इक्की पावर एक्स प्लस बाकी टर्म्स को क्या लिख दिया वाई। अब क्या करेंगे दोनों तरफ लोग लेकर कर लेंगे, तो लोग लेने पर क्या बनेगा लिखेंगे दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, दोनों पक्षों का लोग लेंगे तो वाई का लोग तो क्या हो जाएगा लोग वाई इक्वल टू लोग इक्की पावर एक्स प्लस वाई, लोग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने लोग एन की पावर एन हो तो एन मल्टीप्लाई में आ जाता है लोग के, तो क्या बनेगा लोग वाई इक्वल टू एन का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस वाई इंटू लोग ई, बेस समान है ई है तो लोग का मान क्या हो जाएगा वन, तो क्या बनेगी लोग वाई इक्वल टू बनेगा एक्स प्लस वाई लोग ई बेस ई का मान क्या हो गया वन, तो अब क्या करना है अपने को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लोग वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई यही होगा। लोग वाई का अवकलन तो क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा वन प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यही होगा। अब नेक्स्ट टर्म में अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में वाई डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड में करते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड में करते हैं यही करते हैं, तो अपन डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साइड में कर लेंगे,
तो वन अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स, और दूसरे पक्ष में प्लस का डीवाई बाई डी एक्स है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का डीवाई बाई डी एक्स इक्वल क्या है वन, तो क्या बनेगा डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेते हैं, डीवाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू वन, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आएगा वाई आ जाएगा, वाई का डीवाई डीवाई में लेंगे तो वन, और वन को वन से मल्टीप्लाई करने पर वन माइनस वन के हेड में भी क्या है वन, तो वन का डिवाइड वाई में करेंगे तो क्या आएगा वाई, और वाई को वन से मल्टीप्लाई करने पर वाई इक्वल टू वन, क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जो टर्म है वो डीवाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में है वो तो दूसरे पक्ष में जाकर बाग में चली जाएगी, और जो बाग में है वो गुणा में चली जाएगी, तो क्या होगा बाग में वाई है तो वाई कहाँ पर चला जाएगा गुणा में मतलब अंश में, तो वन इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई अपॉन जो अंश में है वो कहाँ जाएगा हर में, तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये था अपना फाइनल एग्जाम्पल, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस।